क्या हिमांशु खुराना ने गीत गाकर कह दी अपने दिल की बात आसिम रियाज को? सोशल मीडिया पर तो इसी बात की चर्चा चल रही है। तो मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी कि आखिर हिमांशु खुराना और उनके इस गीत गाने का माजरा क्या है। दरअसल हिमांशु का एक नया गीत रिलीज हुआ है, ओंदी सरयाम, यानी कि मैं उसकी हो गई सरयाम। हालांकि पंजाबी में गीत है तो पंजाबी एक्सेंट में वो गाना है, मुझे वो नहीं आता है, लेकिन जो उनका गीत के बोल है उससे ऐसा ही लग रहा है। और सोशल मीडिया पर हर कोई हिमांशु को ये बोल रहा है कि गाना जो है लगता है आसिम रियाज के लिए ही है। 30 या 40 सेकंड की झलक मैंने उस गीत की देखी है और मैं आपको बताती हूँ, जब ये आप गाना सुनेंगे तो आप आसानी से आपको ऐसा लगेगा कि ये हास कि ये गीत हिमांशु और आसिम पर बहुत ही अच्छा फिट बैठता है। मैं उस गाने के बोल आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एक ऐसी खबर आ रही है जिसका आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और वो ये है कि हाँ, हिमांशु खुराना जो है घर के अंदर जाने वाली हैं। और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो जो है इसी हफ्ते जाने वाली थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं अप्स एंड डाउन्स हुए, उसकी वजह से वो घर के अंदर नहीं जा पाई। क्योंकि ये सारा खुलासा जैसे ही एकदम से हुआ, आसिम थोड़े परेशान थे, हिमांशु थोड़ी परेशान थी, सोशल मीडिया पर उनके लिए जो है सही गलत बहुत तरीके की बातें कही जा रही थी, तो वो जो है थोड़ा सा रुक गई, वो घर के अंदर नहीं गई। लेकिन अगर अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो है घर के अंदर ज़रूर जाएंगी और वहाँ जाकर आसिम से बात करके आएंगी, क्योंकि इस समय आसिम का जो है मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज भी हमने देखा शो के दौरान वो बहुत अपसेट से दिख रहे थे, शांत बैठे थे। विशाल उनके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम मत सोच इतना ज़्यादा, तुझे पता है ना तुम दोनों के बीच में जो था, किस कारण से हुआ, क्या नहीं हुआ, तुझे सब पता है, लोगों को जो कहना है कहने दे, मैं भी कल सर से ये सारी बातें करने वाला था। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं विशाल उनको इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे थे कि आसिम ने शायद ये शेयर किया हो, या कहीं वो जो अपसेट रहे हो ये बात विशाल ने उनमें देखी हो, कि जब सलमान खान ने कल वीकेंड का वार में उन्हें हिमांशु के रिश्ते टूटने के पीछे का जिम्मेदार ठहराया। हालांकि आसिम ये बोल रहे थे कि नहीं, हिमांशु को ये रियलाइज़ हुआ होगा कि वो मुझसे प्यार करती है इसलिए ऐसा हुआ होगा। तो जो भी रहा हो, लेकिन एक बात साफ है, खबरें यही आ रही है कि हिमांशु अगले हफ्ते घर के अंदर जाएंगी। लेकिन अब मैं आपको उस गीत के बोल सुनाती हूँ, पंजाबी में गीत है, तो मुझे समझ में आई है चार लाइनें, वो ये है, गल्ला गल्ला विच दिल ले गया मुंडा, यानी कि बातों बातों में वो लड़का जो है दिल ले गया, आँखों आँखों बिच गल कर गया मुंडा, और आँखों आँखों में दिल की बात बता गया, बातें कर गया वो लड़का, मैं उसकी सरे आम हो चुकी हूँ। और उसके बाद जो है पंजाबी में कुछ लाइनें हैं, हालांकि पंजाबी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आते, लेकिन ये जो बहुत सिंपल लाइंस जो समझ में आ रही थी वो मैंने आपको बताई, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर चल रहा है फैंस का कहना वो यही है कि हिमांशु ने जो ये गीत है किसी और के लिए नहीं, आसिम रियाज के लिए गाया है। तो जब आप ये गाना सुनेंगे, और अगर आपको भी आपको भी ये महसूस होगा कि ये गाना जो है एकदम इन दोनों की केमिस्ट्री पर जो है रिलेशन पर एकदम परफेक्ट बैठता है, तो आप क्या सोचते हैं हिमांशु और आसिम के रिश्ते के बारे में ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन कमेंट करने से पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।